या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। प्याज खाकर मस्जिद में जाना मना है या प्याज की बू आती है, लहसुन प्याज खाते हैं तो फौरन मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, और इसी तरह नमाज भी उस हालत में पढ़ना मकरूह तहरीमी है, तो क्या प्याज के पकोड़े खाकर, जैसा कि लोग रमज़ान में फौरन प्याज के पकोड़े खाते हैं और उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो कैसा करना चाहिए या नहीं। पहली बात तो ये है कि जिस प्याज को खाकर नमाज फौरन पढ़ना मना होता है वो शायद कच्ची प्याज है जिससे महक आती है, और जिस तरह अगर उसको तल लिया जाए प्याज को या पका लिया जाए तो गालिबन उसकी महक जो है वो चली जाती है, फिर उसमें से बू नहीं आती। और प्याज के पकोड़ों का यही सीन होता है कि उसको जब तल लिया जाता है तेल के अंदर तो फिर शायद उसमें से वो महक बाकी नहीं रहती जो कच्ची प्याज में से रहती है। तो बेहतर तो यही है कि इफ्तार करने के बाद ना कुल्ली करनी चाहिए, दांत वगैरह साफ करने चाहिए, और ये कुल्ली करने की आदत हमेशा डालनी चाहिए। कोई भी चीज़ खाकर या पीकर पानी मुंह में लेकर दांतों के अंदर और इसको फिराकर, इस तरह दांतों की मजबूती और सफाई भी बरकरार रहेगी, वरना ये कि कैविटीज़ और कीड़े वगैरह लगने का मामला दांतों में जो अक्सर लोगों में हो उसकी ख़ास वजह भी यही है कि वो खुसूसन चाय पीकर या रात में कुछ खा पीकर कुल्ली करने की उनकी आदत नहीं है। अब बाज़ लोग अलगस में नहीं करते कि कुल्ली करने रूम से बाहर जाना पड़ेगा, जबकि मैंने शायद वितर की नमाज के बारे में, वजीफ़े के बारे में उसमें ज़िक्र किया है कि उस पानी को आप ख़ुद पी सकते हैं, यानी मुंह में पानी लेके कुल्ली करके ख़ुद पी लें। तो यही काम रोज़ा इफ्तार करने के बाद भी करेंगे, जब रोज़ा इफ्तार करें तो उसमें पानी पी लें तो उससे जो है दांत वगैरह साफ़ हो जाएंगे, और क्योंकि पकी हुई प्याज में बदबू नहीं आती तो कुल्ली करके नमाज़ पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है, यानी कोई ऐसा अपवाद है कि हाँ उसमें बदबू आ सकती है, कोई ऐसा खाना है या प्याज के पकौड़े ही में किसी को महक आ रही है खाने के बाद, तो फिर उसको फौरन नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि पहले दांतों की सफ़ाई करनी चाहिए मिसवाक से या किसी भी चीज़ से, अच्छी तरह जब इत्मीनान हो जाए कि अब मुँह में बदबू नहीं है तो ही नमाज़ फिर पढ़ी जाएगी। लेकिन ऐसा केस होता नहीं है, लेकिन बिलफर्ज़ अगर ऐसा महसूस होता है किसी को कि प्याज के पकौड़े या कोई ऐसी कच्चा रह गया कोई पकौड़ा या बेसन या कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसको खाने से महक आती है, तो करनी चाहिए, वरना बेहतर यही है कि हर खाना खाने के बाद अगर नमाज की ज़रूरत पड़े तो अच्छे से कुल्ली वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि दांतों में अगर कोई चीज़ फंसी रह गई नमाज के दौरान वो हलक में उतरेगी तो भी फिर नमाज टूटने के मसाइल बन सकते हैं। तो इतना कोई भारी और बड़ा काम नहीं है, कुल्ली करके ख़ुद निकल जाना सबसे बेहतर है, और ये हर खाने पीने के बाद करना चाहिए, खुसूसन चाय पीने के बाद भी, लेकिन चाय के फौरन बाद ना करें, चाय पीने के एक या दो मिनट बाद पानी लेकर ज़रूर कुल्ली करनी चाहिए, और इस आदत को जो है अपने अंदर समा लेना चाहिए ताकि दांतों के अंदर कोई परेशानी ना हो। अब अपनी जरूरत के लिए आसान वजीफा तलाश करना हुआ और भी आसान, विजिट करें wazifa.sbswarsi.com पर और अपनी दीनों दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।